12th political science, politics in India since independence. And this chapter is challenges to and restoration of the Congress system. So इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक 4 chapter किससे related था, external affairs. वीडियो देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो देख लेना, तभी ये वीडियो देखना. सो एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड था. अब हम देखते हैं कि भाई शास्त्री जी भी नहीं रहे तो फिर पॉलिटिकल जो सक्सेशन है वो किस तरह से हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, इंदिरा गांधी से की जो सरकार आई उसने क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो डेथ है वो 1964 में हो गई थी. अब इनके बाद कौन आए, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये थी. सो पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस वक्त थे के कामराज. सो सब ने डिस्कस किया कि भाई ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को बना देते हैं. और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर किसी ने ये भी नहीं किया कि भाई इनको क्यों बनाया, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरे वाले नेता थे, बहुत साफ सुथरे. आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार जो है एक रेल दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त उन्होंने साफ साफ जो है इस्तीफा दे दिया था, अपना रिजाइन कर दिया था पोस्ट से. सो इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब शास्त्री जी आते हैं, शास्त्री जी आते हैं तो फिर शास्त्री जी, जो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था. कब हुआ था? 1965 में हुआ था. अब जब वॉर खत्म हो जाता है तो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये तशकेंत जाते हैं, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री तशकेंत जाते हैं. वहां पे जनरल अयूब खान जो कि पाकिस्तान के जनरल थे उनसे मिलने जाते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करने, तशकेंत एग्रीमेंट. और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है 10th June 1966 को. अब जब शास्त्री जी की डेथ हो गई तो फिर सवाल ये आया कि अब शास्त्री जी के बाद कौन, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी. सो सभी के मन में था, अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो था वो था इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई के बीच में. मुरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, इनके बीच में जो है कॉम्पिटिशन था. सो एक सीक्रेट बैलॉट करवाया गया, उसमें वोटिंग करवाई गई कि भाई कौन बने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. फिर इसमें डिक्लेयर होता है कि भाई इंदिरा गांधी बनेगी. भाई इलेक्शन होने लगते हैं, 4th जनरल इलेक्शन 1967. अब इंदिरा गांधी बन तो गई थी और करीब 2/3 जो वोट्स हैं पार्टी के वो इंदिरा गांधी को मिले थे कि भाई हाँ इनको जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए. लेकिन यहाँ पे सबकी राय एक सी नहीं थी, कुछ ये सोच रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी जो नेहरू जो पहले प्रेसिडेंट रह चुकी थी ये कांग्रेस की, फिर ये नेहरू की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुकी थी, जहां हम बात करें मुरारजी देसाई ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट जो थी, यानी कि बॉम्बे स्टेट जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के यहाँ के सीएम रह चुके थे, तो एक्सपीरियंस में ये इंदिरा गांधी से ज्यादा थे. सो फिर ज्यादातर लोगों का मत था कि भाई मुरारजी देसाई को बनाया जाए. कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन होते हैं. अब भाई इलेक्शन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आती हैं और आते ही तहलका मचा देती है, क्योंकि जिस वक्त वो आई थी एक्चुअली उस वक्त इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ड्रॉट था, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, फूड क्राइसिस अलग चल रहा था, जो इंडस्ट्रीज थी वो अलग पड़ी हुई थी. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. फाइनली वो इलेक्शन जो है होता है और इस बार बड़े चेंजेस हुए. जैसे ही उनकी सरकार आती है वो जो है डिवैल्यूएशन कर देती है इंडियन रुपीस का फ्रॉम 5 to +7. इट मीन्स दैट डिवैल्यूएशन से मेरा मतलब है यूएस से बराबर फोर्स था, तो जो $1 पहले ₹5 में खरीदा जा सकता था अब वो $1 मोर देन ₹7 पे करने होते थे खरीदने के लिए. एक तो ये इनका ये हो गया और बाकी इनने सोशल प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए. अब जैसे कि यहाँ पे डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज हो गया, भाई डॉलर का प्राइस अगर देखें मतलब $1 खरीदने के लिए अब 7 से ज़्यादा रुपए देने लगे. मैंने कहा स्कैसिटी ऑफ फूड चल ही रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट था ही, ड्रॉट आया ही हुआ था बिहार वगैरह साइड में. सो इतनी सारी कंडीशन थी, बांध जो हड़ताल वगैरह है वो होने लगे, बहुत सारी स्ट्राइक होने लगी गवर्नमेंट के खिलाफ. वो गवर्नमेंट इनको एज अ हम कह सकते पॉपुलेशन एक्सप्रेशन नहीं देख रही थी, वो इनको लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए देख रही थी. मतलब ये गलत देख रही थी कि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है इस चीज़ से.
नॉन कांग्रेसिज्म फैक्शन इन कांग्रेस। अब देखिए सभी लोग तो एग्री थे नहीं कि इंदिरा गांधी जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, बट फिर भी बनी वो। उसके बाद फैक्शन हो गया कांग्रेस में। फैक्शन से मतलब है जब एक ही पार्टी में अलग आइडियोलॉजी के लोग हो जाएं, वो अपनी ही पार्टी की आइडियोलॉजी से एग्री ना हो और रहे उसी पार्टी में, बस उनकी आइडियोलॉजी जो है वो अलग हो जाए एक ही पार्टी में रहते हुए, तो वो हो गया फैक्शन। सो फैक्शन जो है कांग्रेस में आ गया था। अब जो ऑपोजिशन पार्टीज थी जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी वगैरह हुई, तो सोशलिस्ट पार्टी की फेमस अगर मैं नेता कहूँ तो वो थे राम मनोहर लोहिया जी। सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक वर्ड दिया, एक स्लोगन दिया जो कि था उनके हिसाब से कांग्रेस एक हम कहें तो नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी थी और इसको हटा देना चाहिए, रियल जो डेमोक्रेसी है वो सेटअप करनी चाहिए। सो इन्होंने ये वर्ड दिया था नॉन कांग्रेसिज्म, और जितनी ऑपोजिशन पार्टी थी वो सबने मिलके सरकार बनाई। सरकार कब बनाई यहाँ पे, क्योंकि अब सारी सीट्स तो जो है फोर्थ इलेक्शन में इंदिरा गांधी को मिली नहीं होंगी, बाकी सीट्स भी तो होंगी जिन पे कोई और पार्टीज आई होंगी। तो उन्हीं पार्टीज की बात करें, उन्होंने सरकार बनाई। अब इलेक्टोरल वर्डिक जो है वो क्या आया, इलेक्टोरल जो वर्डिक्ट है वो कुछ इस तरह से आया कि इंदिरा गांधी जीत जाती है, क्योंकि अभी तो देखिए फ्रेश इलेक्शन हुए थे, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में, अभी हमने जो बीच की बात की यहाँ पे। इलेक्टोरल वर्डिक्ट के हिसाब से कांग्रेस ने इस बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना कि वो 1951 से परफॉर्म करती आती। पहली बार इसको 364 वोट्स मिले थे, आपको याद होगा 489 में से, फिर इसको जो है 371 मिले, फिर बाद में 361 पे आ गई थी। सो इस तरह से वोट्स मिले थे इस बार, लेकिन बहुत ही कम मिले बहुत सारे ऐसे स्टेट्स से जहाँ पे इसने मेजोरिटी आई नहीं, सॉरी यहाँ पे मेजोरिटी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे ये इलेक्शन हार गई कांग्रेस। पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी एंड गोवा, इन एरियाज में, इन स्टेट्स में कांग्रेस जो है वो इलेक्शन हार जाती है। हालांकि वो राजस्थान में मैनेज कर लेती है, मतलब किसी और पार्टी के साथ मिलके यहाँ पे अपनी सरकार बना लेती है। फिर अब इतने सारी जगह पे हार गई, फिर भी हम मेजोरिटी नहीं आई थी, फिर भी जीती कांग्रेस ही थी। कामराज प्लान की हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉलिशन नहीं लिखा, कॉलिशन एक टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेती हूँ। कॉलिशन यहाँ पे तो चुनाव हार ही गई थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी हार गई थी यहाँ पे, और जो मद्रास था यानी कि आज का तमिलनाडु, वहां पे रीजनल पार्टी आई थी जो कि थी द्रवित्र, मुनेत्रा, कजगम और अलग अलग एरियाज, जैसे कि पंजाब हुआ वहां पे अकाली दल आई थी, हर जगह अलग अलग पार्टीज आई, यूनाइटेड फ्रंट आई कहीं पे। सो इस तरह से कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस था कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इसका जो डोमिनेंस है ना, हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो खत्म होते हुए जो है दिख रहा था। अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है कोलिशन। कोलिशन से मेरा मतलब है एक्चुअली सारी पार्टीज मिलके आती हैं और ये SVD बनाती है। SVD से मेरा मतलब है संयुक्त विधायक दल। इसमें सारी अपोजिशन पार्टीज मिल गई, सब कांग्रेस के खिलाफ और सब लड़ने लगी हुई हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से हम कांग्रेस को गिरा दें नीचे। अब जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस कहीं एक जगह नहीं आई हुई थी, और स्टेट में जितनी भी जगह से सरकार बनाई कांग्रेस ने वो SVD के साथ मिलके ही बनाई, यानी कि सर्व संयुक्त विधायक दल। सो संयुक्त विधायक दल के संग बनाई, इसमें बहुत सारी पार्टीज इंक्लूड थी, लाइक CPI, मार्क्सिस्ट, और इसमें RSS भी थी, इसमें स्वतंत्र पार्टी भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, यूनाइटेड फ्रंट दल भी था, बहुत सारी पार्टीज थी, अकाली पार्टी भी थी। तो सारी पार्टीज जो है वो SVD में थी, और फिर अलग अलग स्टेट में कांग्रेस को इनका सपोर्ट चाहिए हुआ और फिर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वरना तो फिर किसी हालत में कांग्रेस नहीं आ रही थी, इसी तरीके से बनाई गई। नेक्स्ट वी हैव इज डिफेक्शन। एज आई सेड दैट डिफेक्शन, वेल फैक्शन एंड डिफेक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फैक्शन मतलब एक ही पार्टी में अलग आइडियोलॉजी के लोग हो जाए, वो हो गया डिफेक्शन, आई मीन टू से वो हो गया फैक्शन। एंड डिफेक्शन से मतलब है जब एक कोई पॉलिटिकल लीडर, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है कांग्रेस पार्टी का, इलेक्शन हुए, इसने कांग्रेस पार्टी के सिंबल से इलेक्शन जीता, बाद में वो उस पार्टी को छोड़ के चला जाए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, सो इसको कहते थे डिफेक्शन। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए 1967 के टाइम पे कि जिन लीडर्स ने कांग्रेस से लड़ा, कांग्रेस को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी में गए, एक घंटे के अंदर वापस कांग्रेस में आ गए, फिर से दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस में आ गए। अच्छा एक बॉक्स दिया हुआ है वो अमूल का, वो वाला जरूर पढ़ना, आए राम गए राम, दैट इज रियली वेरी फनी, सो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो।
अब भाई इस वक्त जनता भी बहुत नाराज चल रही थी कांग्रेस से, भले ही कांग्रेस जीती थी लेकिन नाराज चल रही थी, तो जनता को खुश करने के लिए कुछ तो करना होता। सो इंदिरा गांधी जो है वो 10-point प्रोग्राम अपना लेकर आए। 10-point प्रोग्राम में इन्होंने जो है जो पुअर एलिवेशन स्कीम्स है वो रखी, सोशलिस्ट हम कह सकते हैं एक तरह का सोशलिस्ट पैटर्न रखा। वेल सोशलिस्ट पैटर्न से याद आया, राम मनोहर लोहिया जो है इसके सपोर्ट में थे कि सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए सोसाइटी का। यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, इंदिरा गांधी के 10-point प्रोग्राम की। सो उसमें क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ सीलिंग प्रॉपर्टी, एबोलिशन ऑफ सीलिंग प्रॉपर्टी एंड देयर वर मेनी प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, लाइक लोगों को घर दिया गया, उनके वेलफेयर के लिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई। इसमें 10-point प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। सिंडिकेट की बात कर लेते हैं। अभी तक तो ना इंदिरा गांधी की सरकार को ऑपोजिशन किससे था कि भाई जो बाहर वाले हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे घर वाले ही उनके पीछे पड़े हुए थे। कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट यानी कि सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी। लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज इट, यहाँ पे हम देखेंगे सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी। वेल मैंने वो टॉपिक नहीं लिखा है एक्चुअली, ओके सो लेट मी टेल यू सिंडिकेट कौन थे। सिंडिकेट जो है पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप थे विद इन द कांग्रेस, और जो इंदिरा गांधी थी भाई इंदिरा गांधी की उसी पार्टी में थी वो। सो जो सीनियर लीडर्स, क्योंकि सीनियर लीडर्स को क्या लग रहा था शुरू से ही, जब से इंदिरा गांधी बनी थी प्राइम मिनिस्टर, कि ये इतनी कम उम्र की है, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग इतने सीनियर हैं तो हमें बनना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने जैसे ही 1967 के बाद गवर्नमेंट संभाली, सरकार संभाली, उन्होंने इतने बोल्ड डिसीजन लिए कि आज तक उनको उनके बोल्ड डिसीजन के लिए याद किया जाता है, कई बार याद किया जाता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो उस वक्त इंदिरा गांधी की वो डीवैल्यूएशन जो उन्होंने करवाया था, ₹5 से ₹7 ओवर हो गया था, उस चीज़ को भी याद किया गया। सो सिंडिकेट एक ही पार्टी में इन्फ्लुएंशियल लोग, अब देखिए बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स थे जैसे कि के कामराज हो गया, एस के पाटिल हो गए, निजालिंगप्पा, एस निजालिंगप्पा, एन संजीवा रेड्डी, ऐसे जो है सीनियर लीडर्स थे, और इनको कहीं ना कहीं खटक रहा था कि ये जो है बन रही है। हालांकि ऐसे कुछ सीनियर लीडर्स भी थे जो इंदिरा गांधी के साथ थे। सो स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस होती है उसको इंदिरा गांधी की कांग्रेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए सी यानी कि कांग्रेस, और आर यानी कि रिक्वेस्टनिस्ट, और सी ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वेस्टनिस्ट, रिक्वेस्टनिस्ट यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, और जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये जो है वो सिंडिकेट वाली कांग्रेस है। अब यहाँ से शुरुआत होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन, देखते हैं हम 1969 से जो रिफ्ट है ना वो यहाँ से क्लियरली दिखता है। 10-point प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, आप देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, हर पार्टी अपना कैंडिडेट जो है खड़ा करती है प्रेसिडेंट के लिए। सो अब क्योंकि कांग्रेस तो बढ़ चुकी थी, एक ही कांग्रेस में दो फैक्शन हो गए थे, एक तो सिंडिकेट वाला था, एक इंदिरा गांधी वाला था। सो जो सिंडिकेट थे उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को जो है नॉमिनेट किया, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को नॉमिनेट किया। अब भाई दोनों में मीटिंग्स होती है, जो हम कहें ऑर्गेनाइजेशन थी सी यानी कि सिंडिकेट कांग्रेस थी, वो एक विप जारी करती है और कहती है सभी एमएलए एमपी से कि एन संजीवा रेड्डी को वोट दो। अब इंदिरा गांधी वीवी गिरी के लिए कहती है कि इनको वोट दो फाइनली, बट क्या होता है इंदिरा गांधी जो है एक मीटिंग बुलाती है, उसमें सभी एमपी एमएलए से कहती हैं कि कौन सा है इसको वोट दो, मतलब आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट दो। बट पता है कौन जीतता है, यहाँ पे जीतते हैं वीवी गिरी। सो वीवी गिरी जीतते हैं। आप सोचिए एक बहुत ही सीनियर लीडर वाला ग्रुप है, एक रिसेंट जो न्यू लीडर आई है उनका ग्रुप है, फिर भी इंदिरा गांधी एक 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 करके जो है सारी बाजी जो है जीतती जाती है। यहाँ पे फाइनली कॉन्साइंस वोट होता है और वीवी गिरी जीत जाते हैं। अब फोर्थ देखते हैं, 1971 इलेक्शंस रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। देखिए इनकी सरकार लेकिन ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है, ऑपोजिशन काफी हो रहा था ना, बाहर वाले तो थे ही अंदर वाले भी चिल्ला रहे थे। तो फिर 1971 में इलेक्शन दोबारा होते हैं, इंदिरा गांधी इंदिरा गवर्नमेंट डिसॉल्व इन दिसंबर 1970 में। मैंने जैसे कि कहा कि इनकी सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जारी हो जाता है, इनकी सरकार गिर गई। अब दोबारा इलेक्शन होने थे, अब सब पार्टी अपना कैंपेन करने में लगी हुई है, तो जो
ऑपोजिशन थी और जो हमारी कांग्रेस सिंडिकेट थी ये मिल जाती हैं और ये इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है नारे लगाती हैं और ऐसा बिल्कुल कैंपेन करती है कि इंदिरा को नहीं जीतने देना, बाकी कोई भी आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि 2019 में इलेक्शन में हुआ लोकसभा के, बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टीज मिलकर आ गई। यूपी में हम बात करें तो समाजवादी और बीएसपी मिल गई और हर जगह जो है सब पार्टीज मिल गई, खाली मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। और आखिरकार हुआ क्या? वेल, ये भी हिस्ट्री दोहराई जाएगी आज से, 2019 की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जोड़ी जाएगी किताबों में और फिर जो है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना नारा होता है कैंपेन के दौरान, तो इंदिरा गांधी का था गरीबी हटाओ, क्योंकि उस वक्त कंडीशन खराब थी देश की, और गरीबी हटाओ। और बाकी जो सिंडिकेट थे उनका था, जो ऑपोजिशन था, दूसरा जो ग्रुप था कैंपेनिंग कर रहा था उसका था इंदिरा हटाओ, इनका था गरीबी हटाओ और उनका था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने बहुत सारी नई नई स्कीम्स जो है लोगों के सामने रखी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो लोग क्या कह रहे थे, टोटली ये बात कर रहे थे कि इनको मत आने देना, अपनी कोई उन्होंने नई पॉलिसी ही नहीं बताई। फिफ्थ जनरल इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट 352 सीट जीतती है 375 सीट्स में से। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि जीतती है 16 सीट्स। अब सोचिए इसमें कौन कौन शामिल था, ये सब एक ग्रैंड अलायंस बन गया था। ग्रैंड अलायंस क्या था, जो इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में आए थे सब, कि हम सब मिलके जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जो भी सीट जितनी भी मिलेगी सब मिलके जो है अपनी सरकार बना लेंगे। सो यहाँ पे ये मेजोरिटी से आई थी इंदिरा गांधी 352 सीट्स के बाद, और कांग्रेस देखिए यहाँ पे 16 सीट्स ओनली। सो यहाँ पे कांग्रेस केवल 16 सीट जीती है जो सिंडिकेट वाली थी। सो वन मोर थिंग इज दैट इंदिरा गांधी ने कैंपेनिंग के दौरान जो है गरीबी हटाओ तो यूज किया ही था, साथ ही साथ इन्होंने एबोलिशन ऑफ प्राइवी परस्यू भी किया था। प्राइवी परस्यू के द्वारा क्या था, पहले जो प्रिंसेस हुआ करते थे राजकुमार और जो जो शाही परिवार हुआ करते थे, इनके पास अधिकार थे जमीन रखने के, बहुत सारी रखे हुए थे। सो इनका ये अधिकार छीन लिया गया इनसे जो है, अब ये सारी जमीन जो है जिनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था ना, जमीन नहीं स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, वो सब इनसे ले लिएगा एज अ राजा। आप कोई राजा वाजा नहीं, आप एक सिटीजन हो वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के। सो ये सारी चीजें जो है लोगों को काफी अच्छी लगी और हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ये इंदिरा गांधी जो है 1971 का इलेक्शन जो है इस तरह से जीत जाती है। इस तरह से पता चलता है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस वक्त की, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको लीड किया। इतने इंटेंस प्रेशर होने के बाद भी जब उन्होंने इतनी अच्छी लीडरशिप की, इतने बोल्ड डिसीजन लिए, तो सच में ये काबिले तारीफ है। और यहीं से जो है कांग्रेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस जहां पे खत्म हुई दिखाई दे रही थी वहां से दोबारा जो है इसका रिस्टोरेशन हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सिंडिकेट, डिफेक्शन, फैक्शन, ग्रैंड अलायंस, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और बात, जब 1967 में इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस कहाँ कहाँ हारती है और ऐसे कौन सा एरिया था जहां पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, टेल मी। ओके, यू आर राइट, मद्रास। सो मद्रास में आई थी, डीएमके आई थी उस वक्त। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, बाकी ये तो थ्योरी है बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट, सो देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन लाइक दिस वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम से बोला है भाई लाइक तो बनना ही चाहिए। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स इफ दे हैवंट अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट सून इन अ नेक्स्ट वीडियो।